गृहमंत्री अमित शाह ने आज हरियाणा के जींद में एक रैली की और इस बार पिछली बार से भी बड़ी जीत का दावा किया। शाह ने आर्टिकल 370 को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 370 को कांग्रेस ने पाल रखा था। हरियाणा की जींद में हुई आस्था रैली में अमित शाह ने ये बात कही। इसी साल के आखिर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि इस बार उस सभी सीटों पर जीत हासिल करेंगे। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए 370 को बनाए रखा। शाह ने कहा कि तीनों सेनाओं का एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होने से दुश्मन को करारा जवाब मिलेगा। हरियाणा में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसे देखते हुए अमित शाह की जींद की आज की रैली अहम मानी जा रही। अमित शाह ने खास तौर पर आर्टिकल 370 और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 75 दिनों में वो कर दिखाया जो देश में 70 साल में नहीं हुआ। 75 दिन के अंदर ही मोदी जी के इस पराक्रम के कारण 370 इतिहास का हिस्सा बन पड़ी है, पहली से इतिहास का हिस्सा बन पड़ी है। मित्रों, ये इतना बड़ा काम मोदी जी ने किया है, कई सालों तक सरकारें चले तो भी कोई सोच नहीं सकता था वो मोदी जी ने 300 पार करते ही 370 वोट से 370 को हटाने का काम करेंगे। और पूर्व केंद्र मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है। वो पिछले एक हफ्ते से दिल्ली के एम्स अस्पताल में एडमिट है। आज सुबह से ही उनका हाल पूछने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली की स्थिति गंभीर है। वो पिछले एक हफ्ते से एम्स के आईसीयू में भर्ती है। 9 अगस्त से एम्स में जेटली को वेंटिलेटर पर रखा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जेटली से मुलाकात की। पिछले साल जेटली का किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। अरुण जेटली बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं। पिछले 7 दिनों से पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली एम्स के आईसीयू में भर्ती हैं। सूत्रों का कहना है कि उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वो अभी भी आईसीयू में हैं और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जा रहा है। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और अश्विनी दुबे जेटली से मिलने पहुंचे और उनका हालचाल जाना। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देर शाम तक जेटली से मुलाकात करेंगे। 9 अगस्त को एम्स ने उनकी सेहत को लेकर एक स्टेटमेंट जारी किया था। उसके बाद से अभी तक एम प्रशासन की तरफ से कोई और स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के रिजॉर्ट पर कार्रवाई हुई है। रामपुर में आज उनके रिजॉर्ट की अवैध दीवार को तोड़ दिया गया। आजम खान पर सरकारी नाले की जमीन कब्जाने का आरोप था। आजम खान के अवैध रिजॉर्ट पर प्रशासन ने कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान के बेटे का रिजॉर्ट है। आज सुबह पुलिस और प्रशासन की टीम आजम खान के रिजॉर्ट पर पहुंची। आजम खान समाजवादी पार्टी के सांसद और यूपी सरकार के पूर्व मंत्री हैं। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने अपना रिजॉर्ट बनाने के दौरान सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया। प्रशासन ने आज बुलडोजर से रिजॉर्ट का अवैध कब्जा हटाया। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के रामपुर में बने आजम खान के रिजॉर्ट की हैं। आज सुबह प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और इसकी दीवार को गिरा दिया। प्रशासन ने अपनी जांच में पाया था कि आजम खान के रिसॉर्ट की दीवार बनाने के लिए सिंचाई विभाग की जमीन का अतिक्रमण किया गया है। आजम खान लगातार रामपुर से बाहर हैं। उनके खिलाफ अब तक कई मामलों में FIR दर्ज हो चुकी है। ये हम सफर रिजॉर्ट है यहाँ पर रामपुर में, उसमें उससे होके बड़कुसिया नाला गुजरता था वहीं बगल से। ये एक शिकायत आई थी और उसके बाद जांच कराई गई थी कि बड़कुसिया नाले को हम सफर रिजॉर्ट के द्वारा कंस्ट्रक्शन करके अपने अंदर मिला लिया गया है और ये अवैध तरीके से किया गया है।